स्वागत है। इस समय का सबसे महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है, इस समय की महत्वपूर्ण जो जानकारी निकल के आ रही है, आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय खुद इन्वॉल्व हो चुका है पेंशन फॉर पेंशन के मुद्दे पे। यहाँ सबसे पहले आप एक कटिंग देख रहे हैं अखबार की, कटिंग सिर्फ यही कटिंग नहीं, मैं आपको और भी अखबार की कटिंग्स दिखाने वाला हूँ जिन्होंने की इस चीज़ को कवर किया है। ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इतने लंबे के समय के इंतजार के बाद जो है वित्त मंत्रालय खुद इन्वॉल्व हुआ है, ये एक पॉजिटिव संदेश है और निश्चित रूप में ये जो है एक शुभ सूचक है ईपीएस एंड पेंशनर्स के लिए। बड़ी खबर है दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो शेयर जरूर करिएगा ताकि हर कोई इससे अपडेट हो सके, इससे अवेयर हो सके। वित्त मंत्रालय खुद इंटरफेयर किया ईपीएस एंड पेंशनर्स के मैटर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं देश भर के करीब 77 लाख ईपीएस एंड पेंशन भोगी और करोड़ों कार्यरत कर्मी, जिसमें कि केंद्र व राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों, निजी सेक्टर और सहकारी संगठनों के कर्मचारी शामिल हैं। नई पेंशन स्कीम लागू किए जाने के बाद न्यूनतम पेंशन बढ़ने की आस लगाए बैठे हैं। ईपीएस एंड फाइव राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने बताया कि पिछले 7.8 वर्षों से ईपीएस एंड फाइव पेंशन में बदलाव करके न्यूनतम पेंशन, 7,500 महंगाई भत्ता और पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा की सुविधा देने की मांग है, जो कि इसके लिए वित्त मंत्रालय खुद जो है अब आप बात कर रहा है। यहाँ पर आप विभिन्न जो प्रिंट मीडिया है उसके आप कवरेज देख सकते हैं। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं ईपीएस एंड फाइव पेंशन पर वित्त मंत्रालय एवं पेंशनरों के साथ बैठक संपन्न हो चुकी है। ये घटनाक्रम अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अमर उजाला अखबार है जो कि किसी से छुपा हुआ नहीं है, हर कोई अखबार प्रसिद्ध अखबार के बारे में अवगत है। इन्होंने इसको अपने फ्रंट लाइन में यह साफ साफ लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि इसमें हम जो है 7,500+ दिए महंगाई की बात कर रहे हैं, साथ में पति पत्नी को मुफ्त किसी की सुविधा की बात भी कही गई है। ये एक अन्य अखबार आप देख पा रहे हो, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है, यहाँ मुलाकात हुई है वित्त मंत्रालय में और इसमें विस्तृत रूप में बताया गया है। जो ये बैठक हुई है ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है, इसमें वित्त मंत्रालय का खुद इन्वॉल्वेशन रहा है, खुद वित्त मंत्रालय जो है उसमें संज्ञानता दिखाई है और इस मुद्दे को जल्द से जल्द समाप्त करने की, आप कह सकते हो कि इस मुद्दे पर जल्द से जल्द समाधान करने की आप प्रगति देखने का ये मौका आप सभी को देखने को मिलने वाला है आने वाले समय। बार बार इसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा कई बार आश्वासन देने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन इस बार जो है वित्त मंत्रालय खुद कार्रवाई करते हुए पेंशनर्स के साथ ये बैठक किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं विक्ट्री सिंबल, इस पिक्चर में अगर आप ध्यान दें तो अगर आप गौर करेंगे तो इसमें एनएसए के विभिन्न जो लीडर्स हैं उन सभी जो है विक्ट्री साइन के मोड में हैं और निश्चित तौर पे यह एक शुभ सूचक है सभी पेंशनर्स के लिए कि आने वाले समय में, यहाँ पर आप सभी लीडर्स को देख पा रहे होंगे, थोड़ा पिक्चर जो है वो धूमिल है लेकिन आप ध्यान दें तो यहाँ पर कमांडर अशोक रावत, वीरेंद्र सिंह रिजावत जी, पीएन पाटिल, बाकी अन्य जो लीडर्स हैं ईपीएस एंड फाइव एनएसए के, वो सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो सभी जो है विक्ट्री साइन संकेत कर रहे, विक्ट्री साइन मतलब कि जल्द से जल्द जो है सफलता हाथ लगने वाली है, यानी ईपीएस एंड फाइव पेंशन जो है 7,500+ साथ में महंगाई भत्ते के साथ मिलने वाला है, क्योंकि यही मुख्य मांग है जो कि वर्तमान में ईपीएस एंड फाइव पेंशनर्स के। इसके अलावा जो 3 और 4 मांग है जिसमें कि मुफ्त की सुविधा, ये सब चीज़ें लिंक करना है क्योंकि इससे रिलेटेड पहले से भी स्कीम चल रही है, जैसे कि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ स्कीम चल रहा है तो उसमें लिंक करने में समझता हूँ कोई समस्या नहीं आएगी ईपीएस एंड फाइव पेंशनर्स के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पेंशन जो है पहले वृद्धि किया जाना चाहिए, उसके बाद बाकी अन्य चीज़ें होनी चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना दोस्तों, नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे। अपने इस दोस्त को याद दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। अपने दोस्त को याद दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।